तुम काफी देर से गपने लगी थी और गप लगाना अच्छी बात होती है किताबों के बारे के अंदर, बिकॉज आई फाइंड इट रिलैक्सेशन काम 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 की जगह. सो एक ये और दूसरा एक्चुअली अभी एज आप यूनिफॉर्म से यू कैन टेल के वॉक के लिए जा रहा हूँ, दैट इज़ द अदर फन फन थिंग फैमिली वगैरह के साथ साथ. बट चलें किताब के बारे में बात करते हैं काफ़ी देर से. आपने जो किताबें खरीदी हैं उसके बारे में भी प्लीज़ बताया करें. वो कॉमेंट्स वगैरह आते रहते हैं DM वगैरह के ऊपर, लेकिन आप भी मुकाबले में वीडियो बनाएं, हम भी बनाते. इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी बेगम साहब ये ना देखें, बिकॉज देख के फिर झाड़ पड़ेगी. बेहतर ये है कि वो यहाँ पर ही रोक लें. बाकी तमाम दोस्तों के लिए ये कहना चाहूँगा कि बेशुमार किताबें खरीदी हैं इस हफ्ते के अंदर. लाहौर हाईकोर्ट बार में बुक फेयर भी था और कबाड़ियों का भी मेरे ख्याल में सीज़न. शायद महंगाई इतनी हो गई कि वो दबा दबा के किताबें ढूंढ के लाते हैं और मुझे कहते हैं कि मोहम्मद भाई ये किताब आ गई, वो आ गई, वो आ गई, और अब तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं. एक महंगी दुकान जहाँ से मैं उमूमन चीज़ें नहीं उठाता, बट उर्दू के अंदर कंपेयर टू बुक कॉर्नर थोड़ा सा इनसे आगे निकल गया, लेकिन उनके मुकाबले में इन्होंने भी अपनी गेम उठा ली है. इस संगे मील पब्लिशर्स और उन्होंने किताब उठाई है, छापी है साहिर लुधियानवी की साहिरी और शायरी. ये क्या डॉक्टर केवल धीर की तरफ से कॉमेंट्री भी है, कुलियात भी इन्होंने छापी हुई है. और इनकी लेवल ऑफ पब्लिकेशन आई मीन महंगी थी, 2200 की थी. 30% डिस्काउंट देते हैं, 1800 के आसपास मेरे ख्याल में थी. बट इसका अच्छा ये था कि साहिर लुधियानवी में रिसेंटली मैंने तलखियों की कॉपी दोबारा से इंडिविजुअल में, नॉर्मली मैं कुलियात में प्रेफर नहीं करता, अलहदा अलहदा पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है कि जी एक टाइम पीरियड में कौन सी नज़में कौन सी गज़लें शायर ने एक टाइम में लिखी और एक थीम के ऊपर अमूमन होती है, एक ज़हनीत के साथ लिखी, तो वो वाली इकट्ठी पढ़ी जाएँ. कुलियात में इतना मज़ा नहीं आता, इवन तो उन्होंने किताबों के तरीके से अलहदा अलहदा किया होता. खैर अच्छी चीज़ इस किताब के अंदर ये है कि जो कॉमेंट्री है, साहिर लुधियानवी रिसेंटली पढ़ना शुरू कर दिया और वो ताजमहल और उसकी वो जो सारी की सारी चीज़ें उससे आगे जा के भी यार सचमुच बंदा इनकलाबी था. और इसके अंदर तो उन्होंने ये जो शायरी की है मुख्तलिफ जो गाने वगैरह हैं साहिर की कवालियाँ वो भी सारी की सारी गाता जाए. बंजारा तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मगर उसकी कवालियाँ आई डेंट थिंक के आई हैड सीन इट. साहिर की मिजाह निगारी है वो सारी की सारी, आधी किताब को ले आता है और आधी किताब उसके ऊपर कॉमेंट्री है. डेफिनेटली वर्थ रीडिंग. आजकल मैं ये शुरू की हुई है अभी बीच में देखने के लिए. खैर साथ ही सागर सिद्दीकी को मैंने ज़्यादा इतना पढ़ा नहीं, लेकिन चूँकि लोग पसंद करते हैं और हर वक्त कोट करते रहते हैं का सागर, तो कुलियात यहाँ पर मिल रही थी किताब मेले के अंदर से 345 की किताब, और वो भी 50% डिस्काउंट पे 150 के अंदर मिली. हाईकोर्ट बार के अंदर जो हो रहा था मेला, वहाँ से एक किताब जो हर बंदे को मैं कहूँगा ख़रीदे अगर उर्दू की नज़म में का शौक है, नज़म असासा के नाम से 365 शोरा की 365 नज़में साल के हर एक दिन के लिए महबूब जफ़र ने किया है और ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापी, और इतनी मोटी किताब ओनली 360 रुपीज़ के अंदर, और वो भी आपको आधी प्राइस के ऊपर मिल जाती है. तो ये मुख्तलिफ नज़में जो यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पढ़ के आपको सुनाएं, चलें कोई निकाल लेते हैं. ऑन ड्यूटी शबनम रोमानी की. शबनम रोमानी आदमी है आई गेस, हो भी सकता है वगैरह. ऑन ड्यूटी, कुछ दिन के लिए हमको कुछ कार्य ज़रूरी से भेजा था हुकूमत ने, लेकिन जो हवाए वारद इस शहर नदामत ने ये कोई तजादाती ये कर रहे जज्बाती, ये शहर तलस्माती आँखों में उतर आया और रूह में दर आया. हाँ बाहर का काम करने के लिए जो जाते हैं अमूमन हमारी गवर्नमेंट के खर्चे पे वो कम ही वापस आते हैं. कुछ कार्य ज़रूरी से भेजा था हुकूमत ने, क्या कार्य ज़रूरी था अब याद नहीं गोया, रस्ते में कहीं खोया परवाना ए रफ्तारी, जो पेशगी लाए थे वो खर्च हुई सारी, जाना है मगर वापस जाएंगे तो क्या होगा, क्या हशर बपा होगा जब हमसे वो पूछेंगे किस काम से भेजा था, क्या करके तुम आए हो, आना है और आएगा वो रोज़ हिसाब आखिर, टूटेगा ये ख्वाब आखिर वो रोज़ हिसाब आखिर. सो शबनम रोमानी साहब ने ये लिखा. और एक बहुत रेल चीज़ भी है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का हमारा शायद अलमिया भी ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी तो वापस बाहर बीवियाँ रखी हुई हैं, बाहर प्रॉपर्टियाँ भी रखी हुई हैं बाहर, उसको कहते हैं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और फिर बाहर ही रह जाते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर जाते हैं या फिर प्राइवेट के अंदर चले जाते हैं.
और जो मुख्तलि हम जैसे फिर वकील, अगर वो कोई उन्होंने एक साथ कोई बॉन्ड दिया हो तो उसको कोर्ट के अंदर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं। बट ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट नुक्ते वगैरह के ऊपर के जी, जो बाहर होता है अपने मुल्क की जो सर्विस वगैरह का, सिविक सर्विस का जो मामला है वो यहाँ पे शायद नहीं, और बाहर की रंगीनी वैसा। खैर मैं भी बार बीच में छोड़ के सारी की सारी चीज़ें वापस यहाँ पे आया हूँ। कभी वह कभी कभार जब बिजली नहीं आ रही होती और बहुत गर्मी हो रही होती है, बहुत झाड़ पड़ी होती है, बहुत टेंशन होती है, तो फिर कभी जाके बंदा सोचता कि हैं अमरीका के जरिए कर रहे होते तो क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ भी फिर झाड़ ही पड़ी पड़ी होती मैंने या वहाँ पर कच्चा भी अपना खुद धोना पड़ता सारे का सारा। तो यहाँ पे कम अज़ कम वालदैन है, यहाँ पे कम अज़ कम घर की सपोर्ट है, तो आप लॉन्ग में दे रहा हूँ। एक ये किताब उठाई, दूसरी किताब उठाई, अच्छा कबाड़ियों का मैं जो आपको जिक्र कर रहा था, माउंट हेलिकॉन, हेलिकॉन ही होता है मेरे ख्याल में, इंग्लिश नैरेटिव पोइम्स हेनरी न्यूबोल्ड की है। मुख्तलिफ इंग्लिश आई मीन यूज किताबों के अंदर लोगों के नोट्स वगैरह हैं, ऑलिवर गोल्डस्मिथ की, टॉमस हुड की, मुख्तलिफ ये जो पोइम्स वगैरह थी, बल्कि लाइब्रेरियन को बुलवा के किताब फट रही है मेरे ख्याल में, जोड़ने के लिए साथ दे देता दफ्तर के अंदर। एक चीज़ अलबत्ता एक शायद जो कि लाइब्रेरियन को अंदर भेजिए प्लीज़, एक चीज़ जो मुझे, एक राइटर जो मुझे बहुत ज़बरदस्त नहीं और नाम से लग रहा था कि बंदा होगा, वहाँ पे शबनम रुमानी औरत बंदा निकल आया, और यहाँ पे इसको कहते हैं नाम से सर ये किताब जोड़ के दीजिए प्लीज़ टेप लगा, और यहाँ पर तनवीर अंजुम मेरा ख्याल था कि बंदा होगा, और अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो एक मर्द सिंगर है लेकिन उसी नाम से एक शायरा हैं तनवीर अंजुम के नाम से, नई ज़ुबान के हरूफ, ये उनके सिलेक्शन है नसरी नज़मों की, और मैडम की तस्वीर, और हसन अस्करी साहब उसको उन्हें रेट किया करते थे, ज़ारा निगाह जिनको मैं बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, यहाँ पर फैज़ मेला में भी आई हैं, उनकी मैंने किताब उठाई, 700 रुपए की, 350 की मिली है, ये पास ही बुक होम वालों से आई थिंक। और नॉर्मली आई एम नॉट दैट इतना इसके फेवर के अंदर नसरी नज़मों वगैरह के, लेकिन ये पढ़ के यार आपसे भी मैं शेयर भी करूँगा। चांद आखिरी कील हमारी दुनियाओं के दरमियान, मेरी ज़िंदगी के बाप कहाँ गया वो जुनून से लबरेज छलकता पैमाना, नशे में डूबी दोस्तों की महफिलें, इन दीवारों के अंदर जिन पर तस्वीरें थी, इन दीवारों के अंदर जिन पर तस्वीरें थी, और तस्वीरों में दुनिया और दुनिया में लोग, नशे में कभी हंसते कह के लगाते, कभी आंसू बहाते, सोफे पर नीम दराज तुम थे, तुम्हारे घुटनों पर सर रखे नीम दराज में, एक घूंट तुम्हारा था एक घूंट मेरा, तेरी तेज़ी से गायब होती सुनहरी शराब का, कहीं कहाँ गए गए वो, कहाँ गई वो, और उसी भरी नज़में, उदासी भरी नज़में, और उसी उदासी भरी नज़में जिसमें सुरमई बादलों से बरसती बारिशें थी, बागों के किनारे घने दरख्तों में भीगते परिंदे फूलों पर मंडलाती रंगीन तितलियां, गहरे नीले समुंदर की लहरों में बल खाती सुनहरी मछलियां, और बिछड़ती मोहब्बतों के लिए मेरा गुदाज गीत का था, गीत गाता दिल। काफ़ी लंबी है बट ये मैं जो तारीफ वगैरह कर रहा था, एक तो ऐसी मैंने पढ़ी है कि जिन इसमें नज़में पढ़ी थी, आई शुड हैव मार्क्ड देम फॉर यू बट हिला कर रख दिया, एक दो तो थी शायद मेरे ख्याल में पढ़ने में ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि शायद ट्रांसलेट की हुई है, बिकॉज उसके अंदर जो किरदार वगैरह थे या जिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा गया था वो अमरीकी नामों के साथ है, एक डाइवोर्स के बारे में की कहानी थी। बट आई मस्ट से इसके अंदर खैर इस प्रॉब्लम में अलहदा भी एक करूँगा सेगमेंट की, मेरी लेटेस्ट पसंदीदा शायरा उनके ऊपर करूँगा, बट अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर उनको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। एक और शायरा जिनके मैं को बहुत रेट करता हूँ, फहमीदा रियाज की सब लालो गोहर, उनकी भी किताब ये 900 की थी, संग मील में ही छपी हुई, 30% डिस्काउंट दे रहे चार, फहमीदा रियाज का लाओ हाथ अपना लाओ ज़रा, वो तो मशहूर है, प्रेग्नेंट औरत आ छू के मेरे बदन को, अपने बच्चे की दिल का धड़कना सुनो ना के इस तरफ, उसकी जुम्बश को महसूस करते हो तुम,
मॉडर्न ट्रीटमेंट, आई थिंक पुराने ज़माने के अंदर तो शायद ये वाली चीज़ ना हो या शायद होती हो वगैरह, कम अज़ कम आपको अदब के अंदर नहीं मिलती, तो यू कैन डेफिनेटली टर्न अराउंड एंड से कि फहमीदा रियाज ने ये वो मावरा वालों ने जो क्लासिक नज़मों की कलेक्शन लिखी हुई है खालिद शरीफ साहब ने, उसके अंदर भी ये पाई जाती है। सो ये अच्छा है, इसको भी डिटेल के अंदर किस अलहदा बात करेंगे। अनदर बुक दैट आई पिक्ड अप और शायद पहले भी रिकमेंड की है, ये है पायरेटेड, 300 रुपये में मिली, तिलक देवेशर, इंडियन है, पश्तूनस की उनकी कंटेस्टेड हिस्ट्री के बारे में, और इट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इन द सेंस आई मीन पढ़ने के काबिल है। ब्रीफली मैंने चेक किए है, डिस्पाइट द अ शॉर्ट पोएम ऑन द कैरेक्टर ऑफ अ मोनार्क, he who fears to risk his life or who grudges money spent never will be chief or monarch, nor will conquered lands be his, the throne of or his bear as one as the only resting place of kings, then again his dire advice to the rulers. ye kya pad raha hai, acha khushal khan ka elephant stone cho, khushal khan ki jo nazme hain उसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है पश्तूनों के, और नक्शबंदी, पीर्स और वजीरस्तान, मॉडल अकबर, ये पढ़ने की मैंने पढ़ने की कोशिश की, आई डिडंट एंजॉय इट दैट मच, आई डोंट नो हाउ हाईली आई रिकमेंड दिस, बट पश्तूनस एंड जिहाद, तालिबान रिसर्जेंस, मुख्तलिफ चैप्टर्स वगैरह हैं हिस्ट्री एंटिक्विटी से 1901 तक तो एक ही चैप्टर के अंदर भुगता आती है, मगर मोर रिसेंट जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं उसको यहाँ पे एक और अच्छी सस्ती किताब जो कि उठाई है 300 रुपए की थी, बीकन बुक्स वाले अच्छे गुलगश्त मुल्तान से छाप के भेजते हैं, मुंतखब शायरी अदब शेरी अदब तशरीहात के साथ, कलेक्शन अच्छी थी, पढ़ने से तो ये लग रहा था कि शायद बीए की या किसी की कोर्स की किताब है, मगर अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ शोरा की जो नज़में ले के उनकी तशरीह वगैरह करके सब रखी हुई, चूँकि सिलेक्शन इसकी अच्छी थी, और सिलेक्शन में शुरू ये फॉर एग्जांपल आई थिंक सौदा नहीं वली दखनी से करते हैं, और उसके अंदर इब्राहिम ज़ौक, असदुल्लाह गालिब, मोमिन खान मोमिन की सारी गज़लियात हैं, मर्सिए की सिलेक्शन है, अनीस की, अल्ताफ हुसैन हाली की, मुसद्दसर हाली से इंतखाब है, अकबर अलाबादी की गज़लें और रुबाइयात हैं, तवील किताबी है, अलामा इकबाल की भी, हसरत मुरानी, यास यगाना, मीरा जी भी है, गीत उसका चंचल, मजीद अमजद का ऑटोग्राफ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑटोग्राफ, उसे एक दो और भी एक साइंस फिक्शन में उन्होंने लिखी करके, एमनुद्दीन काजमी की गज़ल और शायरों के हालात ज़िंदगी और फन पर तबसरा, वली से लेके सौदा, दर्द, मीर, ये सारों के ऊपर, मीर हसन, आतिश वगैरह, उनके ऊपर भी डिटेल में लिखा हुआ है एंड के अंदर, बट एक किस किस्म का तबसरा शुरू हो रहा है 353 से, और अच्छा लिखा हुआ उसी के ऊपर है, शमसुद्दीन वली खान दक्कनी, मोहम्मद रफ़ी सौदा, और हाँ बिल्कुल लगता है स्टूडेंट टाइप पे लिखा हुआ है, शिकवा अल्फाज, कलाम पर तबसरा, नोट्स वगैरह कुछ इसी नोयत के शायद प्रॉब्ली होगी, खैर किताब गाड़ी में इसलिए रखी हुई थी कि एवरी वंस इन अ वाइल थोड़ा सा रिवाइज करने की, एक दो किताबें, हाँ एक वो जो मैं तारीफ़ कर रहा था, दूसरा यार अजीज़ अहमद की क्या बात है, ये भी आई थिंक संग मील से ही उठाई है, वहाँ पर पढ़ी हुई थी बट छपी हुई है, बीकन बुक्स की किताब है, और ये आई थिंक है कीमत इसकी है मुल्तान से छपी हुई 600 की है, आई थिंक 400 में मिली थी, एक ज़माने में मुझे बीच में बहस की हद तक था, और तकरीबन लिख भी लिया था एक अदर ड्रामा जी उमर ख़याम पे ड्रामा लिखूंगा, और उमर ख़याम के साथ हसन बिन सब्बार भी जो था असासिन्स का जो हेड था, और साथ चीफ प्राइम मिनिस्टर जो उनका बना था निज़ामुल मुल्क एक सेकेंड, हसन बिन सब्बार, उमर ख़याम और निज़ामुल मुल्क, हाँ बिल्कुल उसी का ये है, इन्होंने और इसमें आई वांट अगर कोई बंदा यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड हो तो बार काउंसिल के अंदर बार एसोसिएशन के अंदर इसका एक ड्रामा उमर ख़याम एक मंजूम ड्रामा 1932 में इसने लिखा है, और आई मीन रियली रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर मैं समर वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स कह रहा हूँ नॉवल्स इज़ समरकंद अमीन मालूक ने अंग्रेज़ी के अंदर लिखा हुआ
ये रुबाइयात वाली किताब के बारे में है, आई मीन उससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में भी है, बट उसका जो सबसे ज़बरदस्त जो पोर्शन है, पहला वाला पार्ट, वो प्रिंसिपली इज़ अबाउट उमर खयाम, उसका बचपन में। तीन बंदे एक ही जगह से निकलते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है अपना, वज़ीर वगैरह निज़ामुल मुल्क, उसी जगह से शराब आर्ट्स वगैरह के अंदर बिलीव करने वाला एक, इसको कहते हैं अपना उमर खयाम निकलता है, और साथ ही बीच में असासिनेशंस करने वाला और पॉलिटिकली रिएक्शनरी हसन बिन सबा निकलता है, और उनके वर्ल्ड व्यू को और उनके साथ ये सारे का सारा ये लिख कर ड्रामे की सूरत के अंदर बनाया हुआ, तो ऑलमोस्ट ऑपरा इसको म्यूज़िक के अंदर भी वैसे सेटअप किया जा सकता है। ये पढ़ने के काबिल, अज़ीज़ अहमद का मैं कुछ इतना ज़्यादा जानता नहीं था, मगर इनका ये पढ़ने के बाद आई बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज। एक किताब कानून की भी कभी कभार बात कर लेनी चाहिए, एक तो ये एक्चुअली पॉकेट के अंदर काफ़ी अच्छी छपी हुई है हाई कोर्ट के बाहर, अल शम्स लॉ बुक हाउस वाले ने, वालों से 200-300 रुपए में मिल जाती कानून शहादत, अगर आपने काफ़ी अर्से से नहीं पढ़ा, आप हर दफ़ा अपनी जेब के अंदर रखें, बार बार पढ़ेंगे, हर मुकदमे में कोई ना कोई नई चीज़ आपको नज़र आएगी। स्टैचुटरी इंटरप्रटेशन या इंटरप्रटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रटेशन पे अगर कोई किताब पढ़नी है अमेरिकन पर्सपेक्टिव के लिए, दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, एंटन स्कलिया ने रीडिंग लॉ के नाम से इंटरप्रटेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट के नाम से लिखी है, ये पायरेटेड है, मेरी एक्चुअली जो अच्छी कॉपी थी मेरे दोस्त अभी हसन यूसुफ शाह साहब को सालगिरह के, उन्होंने अपने आप को वो गिफ्ट कर ली, शायद ना देता, मेरी नीयत ख़राब हो रही थी शाह साहब अगर आप ये देख रहे, बट इसलिए उसको मेकअप करने के लिए ये पायरेटेड कॉपी मिली है। इसमें एक चीज़ अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये आपको ऑनलाइन PDF भी मिल जाएगी, इसकी स्टैट्यूट्स को या कानून को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसका अगर आप इंडेक्स ही पढ़ लें, कोई 5-7 सफ़े हैं या 10 सफ़े हैं बल्कि, तो वो आपको बड़ा ज़बरदस्त गाइड कर देता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रटेशन, गोल्डन रूल क्या है। खैर अमरीका के अंदर गोल्डन रूल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, बट बेसिक प्रिंसिपल सिमेंटिक कैनन क्या होता है, जो सारे टैक्सेशन स्टैट्यूट्स को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे करते हैं, जनरल प्रिंसिपल जो सारों सारों के ऊपर लागू होते हैं, तो ये आई डेफिनेटली रिकमेंड, वेरी वेरी रीडेबल, और बीच में जाके कोई जोक शोक भी लिख देता है बीच में ज़्यादा हो गया काफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं पहला वाला रूल इसके अंदर पढ़ रहा था, और इसके अंदर पहला रूल ये है कि एवरी एप्लीकेशन टू अ टेक्स्ट टू पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस इंटेल्स इंटरप्रिटेशन, कहने का मकसद ये है कि जब जज अपना जो काम कर रहा होता है प्रिंसिपल के अंदर, जो तकरीबन सारी की सारी जो मीनिंग अल्फाज को देता है वो इंटरप्रिटेशन होता है, और जज की भी उसके अंदर थोड़ी बहुत मर्जी का इन्वॉल्वमेंट वगैरह साथ आती है। एक केस की जिसकी बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि अमरीकी एक केस का इसके अंदर जिक्र करता है कि जी उसके अंदर केस के अंदर ये डिटरमिन होना था कि लीज़ के अंदर के एनुअल, एक सैंडविच शॉप थी कि जी एनुअल सेल ऑफ सैंडविच जो होगा उससे ज़्यादा अगर 10% से ज़्यादा अगर इनकम होगा तो टू एनी रेस्टोरेंट हुज एनुअल माइट बी एक्सपेक्टेड टू 10, ये करके सैंडविच शॉप नहीं खोलेंगे, एक रेस्टोरेंट आप बना सकते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट के अंदर अगर 10% से ज़्यादा आप सैंडविचेस से आपकी अगर कमाई वगैरह हो रही है तो आपका आपकी लीज आई बिलीव इसके मुताबिक नहीं बनती थी। तो सवाल ये आया कि एक और आ गया वहाँ पे मैक्सिकन रेस्टोरेंट आ गया, और वहाँ पे सवाल ये आया कि जो बुरीटोज, कैसाडियाज और टाकोज जो होते हैं वो सारे के सारे सैंडविच के तसव्वुर होंगे कि नहीं, तो वहाँ के कोर्ट ने बैठ के यहाँ पर लिखा हुआ, और अच्छा जो उसको कहते हैं जस्टिस कलिया फौत हो चुके हुए है, ब्रायन गार्नर जिसने किसको कहते हैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी लिखी है, उसके साथ मिलके ये किताब लिखी है, और इसके अंदर बोंगी भी मारने की कोशिश की है कि जी ये उसको कहते हैं इसकी सैंडविच क्या होता है, सैंडविच इज़ नॉट बीइंग डिफाइंड इन अ टर्म इन द लीज, द कोर्ट सेंसिबली रिलाइड ऑन अ रेप्यूटेबल डिक्शनरी विच वॉज डिफाइंड एज सैंडविच इज एज two thin pieces of bread usually buttered with a thin layer of as of meat cheese or savory mixture spread between them, the fact that those inclusions within the genus a would produce the legal consequences of prohibition consisted of a restaurant that sold tacos, burritos and quesadillas, the court found that these foods typically consist of a single tortilla stuffed with a choice of meat, rice and beans, jo ki karne ki koshish inexplicably neglecting to mention cheese,
इंटरप्रटेशन के अंदर ये भी कह रहे हैं, कोई नहीं यार उसके अंदर जो टाको होता है उसके अंदर चीज़ भी होता है, टाकोज विद चीज़। सो ये सारे का सारा अंदर लिखा हुआ, आई मीन खुद पढ़ेंगे तो आपको, आई डोंट नो, यू आप प्रॉब्ली सारे ला रहे होंगे कि यार ये क्या बीच में वकील, यू कैन टेल के वकालत के बारे में पैशन है, कि मैं लतीफ़े भी उसके अंदर ही ढूंढता हूँ। एक और चीज़ जिसमें लतीफ़े आप कभी कभार नज़र आ जाते हैं, चेस के अंदर। एक दो दफ़ा तो मेरी बेजा हो गई ऑनलाइन, आजकल मैं काफ़ी chess.com पे खेल रहा हूँ, तो ओपनिंग स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के लिए, अगर दो तीन दफ़ा मेरे साथ हो चुका हुआ है, अगर आपको चेस का शौक है या करके, उसके ऊपर जाके गूगल कीजिएगा स्कॉलर्स मेट क्या होता है, कि दूसरी पार्टी को आप चार मूव्स के अंदर कैसे हरा सकते हैं, उसका तरीका है। एक अगर आप बिशप यूज़ करें, पहले e4 के ऊपर आप मूव कर लें, फिर बिशप यूज़ करके लेफ्ट से, और फिर जाके एक स्क्वायर को आप अटैक करें क्वीन के साथ, तो वहाँ पे बैठे बैठे चौथी मूव के अंदर आप दूसरी पी पार्टी को हरा सकते हैं। और दो तीन दफ़ा मेरे साथ हुआ है, और उससे बचते बचते भी, अभी जान बूझने के बाद भी एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने बोंगियाँ वगैरह बीच में मारी, बोंगियाँ तो मैं काफ़ी मारता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त किताब जो मिली है संग मील पब्लिशर से, मज़ाया शायरी का इंसाइक्लोपीडिया मौजू और इंतखाब, और कलेक्शन है मुख्तलिफ, आई मीन अतशा खान जेदी, डॉक्टर इनामुल हक जावेद, इनायतुल अली खान, और ये मुख्तलिफ अनवर मसूद ऑफकोर्स, ये कलेक्शंस वगैरह करके, और इसमें अच्छी चीज़ ये टॉपिक बाय टॉपिक, और मैंने अपने ये फेसबुक पर शेयर भी किया था इस किताब के अंदर से, मियाँ बीवी, शहर शोहर, जौजा, अहलिया और वकीलों के बारे में भी दो सफ़े मेरे ख़्याल में लिखे हुए थे इन्होंने, तो उसका बीच में शेयर अवेलेबल्स थे, सरंगी और तुलबा। म्यूज़िक के बारे में, वकीलों के बारे में, मुख्तलिफ टॉपिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल बाई टॉपिक इन्होंने मज़ाया, लोड शेडिंग, बिजली पानी, टैक्स के ऊपर, वकालत, वकील, अदालत और जज पे, page 21 वहाँ पे लिखा हुआ है। अब ज़्यादा नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, बिकॉज मेरे वकील साहबान कई सीरियसली ले लेते हैं, हम वकीलों का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। और अगर आपको इतना ही बीच में मसला है इसके अंदर कि जी आप वकीलों की, तो ये जो गलत चीज़ें पॉइंट आउट की जा रही हैं उनको रोकें, ना कि शायरों को रोकें कि यार इनके बारे में शेर क्यों कहते हो। वकीलों की फरियाद, दुनिया की कोई चीज़ भी बेहतर नहीं ज़र से, अफसोस है मफकूद वही अपनी नज़र से, 10 साल हुए खाते हैं माँ बाप के घर से, बेफीस के आंसू हैं रवान दी दयाए तर से। वो वकीलों को पैसों पैसों को कहते हैं, मगर ये नज़र आ रहा है कि आप जो यंगस्टर वकील है ख़ास तौर पे, और जो आपका जो ज़्यादा जिनके पास ब्रीफ नहीं है उनके साथ क्या बीच में गुजरती है, और अगर दुख की बात है तो सबसे ज़्यादा उनके लिए इस पर, दिल साहब इंसाफ से दीनार तलब है, नाई का बड़ा आज वकीलों में अदब है, पतलून भी है और ओवर कोट भी बर में, बरकत है मगर लुत्फ खुदावंत से घर में, और इस पे है इंटर का और इस पर है इंटर का टिकट अपनी नज़र में, होते हैं बहुत रंज वकीलों को सफ़र में, इंटर देखे ना हमें थर्ड में कोई, ये है विश्वास, अफलास के एहसास में रुतबे का भी है पास, दुनिया को इलाही कहीं दोबारा बना दे, मंजूर है गर हमको लकड़हारा बना दे, मजदूर बना दे कोई पिनहारा बना दे, या वरना कहीं डाक का हरकारा बना दे, पर बाज हम आते हैं वकालत से इलाही, दुश्मन के भी दरपेश ना आए ये तबाही। खिजर तमीमी ने ये लिखा है, वकीलों के ख़िलाफ़ लिखा है, इनके ख़िलाफ़ डेफामेशन का दावा हो जाना चाहिए, तो डेफामेशन का दावा इनके अगेंस्ट बनता नहीं है, एज अ क्लास किसी इंडिविजुअल को डिफेम नहीं किया गया, वैसे आप कह सकते हैं ये वाला देखा जा सकता है, लीगल क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा होता है, एज अ क्लास डेफामेशन का आप नोटिस इसको भेज सकते हैं कि यार तुमने वकीलों का मजाक उड़ाया और इसलिए यू हैव लोअर्ड अस इन द आइज ऑफ द, अगर ये बात है तो फिर शेक्सपियर पर भी मुकदमा करना पड़ेगा। बात ये है, पर ये साहब वगैरह तो वैसे ऑलरेडी कह रहे हैं, फिर मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन है नहीं, अलमिया की एक सिफ्त है, और मेरी कम अज़ कम ज़ात की हद तक मैं ये ऑनर के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं, ठीक है, इसलिए मैं शायद कह भी सकता हूँ। और इसके साथ ही मेरे ख्याल में शायद किसी को पसंद नहीं, बिजली चली गई, फिर UPS ऑन हो गया, मेरा ख्याल था यहाँ पर बंद कर दूँ, उन्होंने भी अल्लाह मियाँ ने भी कहा कि वह देख के
अगर हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है, किया जा रहा है अलवकील यहाँ पे नीचे, तो फिर काम भी एक खुदाई अच्छे अंदाज के अंदर इंसाफ दिलाने वाले होने चाहिए। अनदर किताब जो कि मुझे 300 के अंदर ही बीच में मिली है, इस्लामिक एनलाइटनमेंट मॉडर्न स्ट्रगल बिटवीन फेथ एंड रीज़न, क्रिस्टोफर डी बलागे बलेग ने लिखी है, और ये आई हैव नॉट रेड इट एज यल। मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ ऑफन बीन अक्यूज्ड एज अ फेलियर टू मॉडर्नाइज एंड अडैप्ट, यट इट इज़ अ स्वीपिंग नैरेटिव ऑफ प्रोवोकेटिव रीटेलिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। Christopher charts the forgotten story of Islamic enlightenment, the social movement, reform and revolution which transfigured Middle East from early 19th century to the present day. Uske bare mein history ka, I've not read it as yet. I dekhne mein interesting lag rahi thi to maine utha li thi. Ek banda jisko zyada rate nahi kiya ja sakta, Maulana Muhammad Hussain Azad, unki kuliyat uthai hai. Ye bhi book talk walon ne aapki, I think ye Mian Chambers yahan pe paas hi chhapti hai, दुकान है वहाँ से बीच में ये छपी है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो नसर लिखता है, या क्या ज़बरदस्त लिखता है, बाबा नानक साहब के सिखों का फिरका, अगरचे बाबर बादशाह के अहद से पैदा हुआ, मगर मुद्दत दराज तक ये लोग फ़कीराना वज़ा और सुलह कुल के लिबास में नशो नुमा पाते रहे। आलमगीर के अहद में वज़ा उनकी बदलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि फर्रुख शेर और मोहम्मद शाह के अहद में मुल्कगीरी के हाथ पाँव निकाल कर तलवार संभाली। चूँकि असल बानी इस फिरके के गुरु नानक साहब थे, इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि उनका हाल भी इस किताब में दर्ज किया जाए। वो डिटेल में पढ़ेंगे, आई मीन जितनी रवानी के साथ और जितने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर उर्दू में लिखते हैं और डायरेक्टली लिखते हैं, आई मीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो ये करके एक और किताब अगर आप देसी एक्सपीरियंस के ऊपर देखें, हमारे एक बुक क्लब में रिकमेंड की थी, पहले तो मैंने पायरेट उठाई थी बट कबाड़ियों से मुझे नहीं मिली, विलियम डालरेम्पल पाकिस्तान के बारे में, गोरों में जो लिखता है ये इसके साउथ एशिया के बारे में, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वंस। ये 9 लाइव्स है कि मॉडर्न इंडिया के अंदर, और मॉडर्न इंडिया नहीं मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर भी इसके अंदर हैं, मुख्तलिफ लोग 9 लोगों की जिंदगियाँ वगैरह पकड़ के कि उनकी क्या स्पिरिचुअलिटी वो कैसे सीख करते हैं 9 और इस इलाके के अंदर। तो डॉक्टर्स ऑफ यलम्मा, आई थिंक द नन स्टेन, द डांसर ऑफ कनौर, सिंगर ऑफ एपेक्स, हाँ रेड फेरी 56, पाकिस्तान के भी इसके अंदर कैरेक्टर्स शायद मौजूद थे। और ये बुक क्लब में हमने डिसाइड किया था डॉक्टर्स ऑफ यलम्मा, तो वो हैं बीबियाँ जो कि आई थिंक मुख्तलिफ मज़ारों के ऊपर डेडिकेटेड थी, हैं ये मुझे कुछ आई कॉन्ट इवन रिमेंबर, बट कुछ पोस्ट किस्म की कोई चीज़ वगैरह थी, और एड्स और ये और वो वगैरह उसके अंदर था। सिंगर ऑफ जयपुर और एपेक्स, लाल परी जो था ना वो आई थिंक सिंध की कोई बीच में इसके अंदर क्या, अगर रेड फेरी लाल परी रूरल सिंध के अंदर से एग्जैक्टली लिखा हुआ था। और मुख्तलिफ I mean it was interesting way कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजस रिलीजन वगैरह और अपने हालात वगैरह को कैसे आम बंदों के, क्योंकि बड़े बड़े लोग वगैरह नहीं थे उसके अंदर, मुख्तलिफ ये अलहदा चैप्टर्स के अंदर लिखा हुआ लिखा इसी बहुत लिखता बड़ा ज़बरदस्त। मेकर ऑफ आइडल्स, द लेडी ट्वाइलाइट, सॉन्ग ऑफ द ब्लाइंड मिनिस्टर, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, बट विलियम डालरेम्पल की आई मीन इसकी द लास्ट मोगल, हाँ लास्ट मोगल भी है, और दो तीन और किताबें जो लिखी हुई हैं डालरेम्पल की, और कौन सी किताबें थी यार नामों भी याद नहीं आ रहा, और अब कॉफ़ी मेरे ख्याल में चूंकि रख के अभी तक मैंने काफ़ी अर्से से पी नहीं, तो इसलिए दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो ही जा रहा। और किताबें जो पकड़ी मैंने यहाँ से अभी कबाड़ियों के पास से ही होके आया, इस 2001 लास्ट फॉर ऑल ओकेजन रॉबर्ट ऑगडन की, ये सारे के सारे मेरे ख्याल में 1200 रुपए के अंदर। पोइम क्या होती है, पोइम्स कैसी होती है, ये किताब वहाँ से बीच में उठाई, ना सिर्फ इसमें पोइम्स मौजूद हैं, मीटर की डिस्कशन, टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको ब्लैंक वर्स क्या होती है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया हुआ है। पोइम्स वर्ड्स फॉर द हैंडबुक एंड एंथोलॉजी, वेरी 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 गुड। ये मैंने गाड़ी में जाएगी और यहाँ पर पकड़ के क्योंकि मैं लिखता रहता। अनदर वन ये कल करके ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ लिटरेरी मिलिट्री एनेक्टोड्स, अच्छी चीज़ क्या है, आर्मी वालों में पढ़ने का कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीव
अच्छी जो किताबें थी इसके पास और भी पढ़ी थी, और शायद कबाड़ियों के पास भी किसी मिलिट्री वाले बंदे की आई। आर्मी एजुकेशन प्रेस जो थी वो रिप्रोड्यूस किया करती थी किताबें बेशुमार इंपॉर्टेंट जो है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बर्टन रसल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस भी पढ़ी हुई थी हार्ड कवर में, लोकली रीप्रिंट राइट्स वगैरह लेके किया करते थे। तो यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि एक आई मीन आर्मी वाली साइड के ऊपर थोड़ा बहुत एजुकेशन का भी रुझान है, अब है नहीं है वगैरह इज ओपन टू आर्ग्यूमेंट्स, बट इवन नाउ ये करने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। और चूंकि आई मीन ये 300 रुपये की ओरिजिनल मिली अपनी कलेक्शन, अरुण दाती राव इज समवन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, लेस ऑफ अ राइटिंग देन व्हाट शी स्टैंड्स फॉर, और दलेर औरत है, आसमा जहांगीर वाली थोड़ी बहुत इनके अंदर टच है, खोल के ह्यूमन राइट्स की बात करती है। छोटे पीसेज इसके पढ़े हैं, ये भी थोड़ी बहुत बीच में पढ़ी थी इसकी, ये लेकिन पायरेटेड कॉपी पहले पढ़ी थी तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये ओरिजिनल मिल रही थी तो उठा ली। यही चीज़ यहाँ पे मी एंड रूमी शम्स तब्रेजी की चिटक की है ऑटोबायोग्राफी, अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट की हुई, तो दिस आई पिक दिस अप एज वेल, ये मैंने अभी तक वैसे पढ़ी नहीं। सो यार अब मैं किताबें एक इसलिए भी उठा, लाइब्रेरी होनी लाजमी, और पीछे आप देखते हैं तो गंदे अगर लतीफ़े सुनने अंग्रेजी के अंदर तो रग्बी जोक्स उठाइए, रग्बी सॉन्ग्स भी किताब हैं वो वहाँ से मिल रही थी इसकी, मैं कहूँगा 10-15 मेरे पास कॉपी। और फेसेस ऑफ बैटल मुख्तलिफ, आई मीन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मिलिट्री हिस्ट्री, आई मीन स्ट्रैटेजी डेफिनेटली, और फेसेस ऑफ बैटल इज अबाउट, इसके अंदर मैं देख रहा था आजनकोट और मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको, फ्यूचर ऑफ बैटल भी है द सॉम वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जहाँ पे वो ट्रेंचेस वगैरह करके जहाँ पे क्वागमायर था और वहाँ पे मुकाबला, उसको एनल इन्फेंट्री वर्सेस मशीन गन, इन्फेंट्री वर्सेस इन्फेंट्री, नो मैन लैंड वगैरह, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह लेके वाटरलू, और तीसरी आजनकोट की जो लड़ाई थी उसको एनालाइज किया हुआ पुराने ज़माने के अंदर। सो आई मस्ट से आई मीन आई वंडर अब कितना अप टू डेट वगैरह रहता है, बट आई मस्ट से दीज वर मिलिट्री वाली साइड के ऊपर आपको अच्छी किताबें यहाँ पे मिल जाती हैं। हमें भी लॉ के अंदर करना चाहिए, लॉ के अंदर हम अदर देन टेक्स्ट वगैरह ट्रेनिंग की साइड के ऊपर और डीपर एनालिसिस की आपको बियॉन्ड द स्टैट्यूट बुक्स यहाँ पे कानून में नहीं मिलती, हमें भी उसी तरीके से इतनी डेप्थ में ट्रीट करना चाहिए इस तरीके से। खैर बोलने के लिए तो मैं बोलता रहूँगा लेकिन वॉक का टाइम जाता जा रहा है, बाहर अंधेरा हो गया तो चमगादड़ों के साथ हमने वॉक नहीं करनी, बेहतर है कि इजाज़त ली जाए आपसे, आपका सर खाया और मैसेजेस करते रहें, गप गप वगैरह लगती रहेगी, इंशाल्लाह बात रहेगी। थैंक यू, इंजॉय, बाय बाय।